मुसलमान का वोट कांग्रेस पार्टी को होना, मुसलमान की लीडरशिप को उसे सीट देकर जिताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की बदनसीबी, मुसलमान की बदनसीबी, मुसलमान पैदा हुआ है, पैदा हुआ है बहुत बड़ी है कर्नाटक के अंदर, मुसलमान पैदा हुआ है तो बहुत बड़ी बदनसीबी। मुसलमान के 1 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही, इनों लोग उनको सबक सिखाना क्या है। आज सेकेंड लिस्ट भी अनाउंस होगी, मेरा नाम यहां से पैनल में भी जाको नहीं है, मैं क्या काम करता हूं पैनल में भी जाको नहीं। 135 करोड़ खर्चा करूं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 403,000 घर बन रहा हूं, 3,000 घर में 400 घर का काम चालू हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट के पहले 1 साल से चल रहे हुए, कोड ऑफ कंडक्ट हायर को स्टॉप कर को 60,000 घर को कालेशिप 5,000 से देखो। बीपीएल कार्ड इंडिया के अंदर, बीपीएल कार्ड फ्री जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बीपीएल कार्ड फ्री करने वाला इंडिया के अंदर पहला आदमी हूं। इतना ताकतवर रहने के बाद भी मुझे टिकट नहीं मिल रही है, तो अब क्या है, मुसलमान को पैदा हुआ बहुत बड़ी गलती, मुसलमान को पैदा होने की वजह से मुझे टिकट के वास्ते आजकल करी। हमारे उलमाए इकराम सब गई, डीके शिवकुमार साहब के पास गई, सिद्धरामैया साहब के पास गई, वेणुगोपाल साहब के पास गई, सुरजेवाला साहब के पास गई, खरगे साहब के पास गई, रहने के बाद भी क्या वास्ते मुसलमानों को ऐसा परेशान कर रही, क्या मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमान को क्या उतना भी अंडर एस्टिमेट करती, मुसलमान क्या मुसलमान इंसान नहीं है, मैं यहां भी क्या भी कमाने आपको नहीं हूं, मैं आपको मैं कमाया उससे पैसा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे मां बहनों को देने आपको, मैं जो काम कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं कर रहा, बहुत दिल को दर्द होता है। इस बार हमारे उलमाए इकराम मेरे वास्ते जो बात कर रही, उन्होंने लोग सबक सिखाती, हमें 20 पर 3 जगह मुसलमान माइनॉरिटी कहां है, माइनॉरिटी मुसलमान का वोट कहां ज्यादा है, वो जगह को हमें सबक सिखाती है, हमारे उलमाए इकराम बोल रही। मैं यहां से नाम नहीं गया जी मेरा, तो मुसलमान की कितनी बदनसीबी है, मेरे सर का अबे कैंडिडेट पैदा होता है नहीं होता, सिर्फ केजे बाबू एक ही पैदा हुआ है, 350 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खर्चा करने वाला सिर्फ केजे बाबू, वो भी कानून के दायरे में, कोड ऑफ कंडक्ट के पहले देखो हूं, कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद फिर ये काम चालू रहता है। अब फिलहाल खड़ा को हूं, होने के बाद फिर ये काम शुरू होता है। हमें कानून की इज्जत करना, कानून को छोड़ को नहीं जाना, कर को बोल को हमें पोर्ट ऑफ कंडक्ट से पहले हमें टिका को ही पोर्ट ऑफ कंडक्ट होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद फिर चालू करती। और रे ऐसे सब चीजा यहाँ ही मेरे से अच्छा लीडर रे कांग्रेस पार्टी में मिलता है क्या, नहीं मिलता, पैदा भी नहीं होता, खाली झूठ, खाली उम्मीदा क्या देती, खाली झूठ और उम्मीदा देती। अभी कैसा लीडर होना जी, मैं इलेक्शन कोसी ताकत है तो भी इलेक्शन में केजे बाबू को खड़ा नहीं सकती, चाहे कांग्रेस पार्टी टिकट दे नहीं दी तो भी केजे बाबू कंटेस्ट करती दूसरी पार्टी से, जो ताकतवर पार्टी है वो पार्टी से केजे बाबू खड़ती, और खड़ने के बाद
मंजे जो कांग्रेस पार्टी धोखा दी तो अभी नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी में छू मई, ये मैं आपको यहां कमाने आपको नहीं हूं, मैं आपको मेरे मां बाना की खिदमत करने ही हूं। मेरे जो गरीब भाया ही जो झोपड़पट्टी में ही उन लोगों को घर बनाना, उनको स्कॉलरशिप देना, 1 लाख बच्चों को स्कूल की स्कॉलरशिप देना और गैस सिलेंडर लाइफ लॉन्ग फ्री करना, 3,000 घर बना को देना, मेरा ख्वाब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये कर दू। और इससे लीडर होना क्या जी, क्या जी यहां से पैनल में नाम नहीं गया मेरा, बात भाई कमांड गिव कमांड को उतना बड़ा आदमी नहीं बनिया मैं, लेकिन मैं तुमना क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे मां बाना को जो कांग्रेस को भरोसा करने को कौन ही पूरी आवाम कांग्रेस को, मुसलमान हर मुसलमान कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखा की कहते हमें बीजेपी को वोट नहीं देते हम ना, अब उन्होंने क्या करें, हम ना दूसरी पार्टी गत नहीं है हमारे वास्ते लड़ने की, हमारे वास्ते पूछने की, हमारा हक पूछने की दूसरी पार्टी को पार्टी नहीं है, उसके वास्ते हमें क्या कर रही कांग्रेस 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 हमारे खून में है, कांग्रेस हमारी खून में है, जिसके 70,000 वोट थी उसे टिकट देने आगे पीछे हो रही, जिसके 3,000 वोट थी बलचिका कम्युनिटी के उसे टिकट देने तैयारी, जिसके 4,000 ओटी लिंगायत के उनको देने तैयार ही, जो जिसके 70,000 ओटी उसे देने तैयार नहीं, तो हमें क्या गुनाह करे, हमें मुसलमान पैदा है सो गुनाह करी, मेरे पास पैसा है सब कुछ है, लोग ही मेरे 2,12,000-13,000 हमारे में जात नहीं है, केजे बाबू में जात नहीं है, केजे बाबू कनाडा वाले से केजे बाबू कमाया है, कनाडा वाले से केजे बाबू कमाया है, तमिल से खून पसीना एक करको उन्हों बिल्डिंग आम बना को मुझे चापी से कमा को देखे, मुसलमानों को पैदा होको मुझे नाज है मुसलमानों को पैदा होने का, और रे ऐसे आदमी को मुझे यहां जात हमारे में नहीं ले लगाना, मैं ये जो बात बोलिया जिसके 3,000 रोटी बलजीगा कम्युनिटी के वो आपके अब यहां क्या है जात के हिसाब से टिकट दे रही, जिसके 4,000 रोटी लिंगायत के उनको देने तैयार ही, जिसके 70,000 रोटी उसे देने तैयार नहीं, कि मुसलमान पैदा होना बहुत बड़ा गुनाह, सबको दे रू मंजे पूरे लोगों का एहसान है, कन्नड़ा वालों का भी एहसान है, तमिल वालों का भी एहसान है, मुसलमानों का भी एहसान है, मुसलमान पैदा हो को मुझे शान है, लेकिन मुसलमान पैदा होना हमारी सबसे बड़ी गलती, ये हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर हमारे कर्नाटका के अंदर मुसलमान पैदा हो सो बहुत बड़ी गलती, अब भी कैसा लीडर होना जी, 350 करोड़ खर्चा करने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खर्चा कर को हमारे मां बहनों को हर साल स्कॉलरशिप देना, हर महीना गैस सिलेंडर 20 पर 3,000 घर का मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, हर घर को DD के थ्रू भेज को हूं, ऐसे आदमी को टिकट नहीं है, मंजे अब अंदर इतने दिन मुझे मालूम नहीं था, पार्टी के अंदर जाने के बाद मालूम हो रहा मुसलमानों को क्या कदर रखी, मुसलमान एक टिश्यू पेपर वोट लिए फेंक दिए, भुगतो दूसरी पार्टी से भुगतो, तुम्हें तेरे को आपको खाली झूठे वादे करना, वोट लेना चलना, और दूसरी बात मुसलमान कौन भी लीडर नहीं होना, क्या जी 1 करोड़ आदमियों को 11 सीट देखो ही 11 सीट होगी, और हर साल मुसलमान लीडर को अब देखो एग्जांपल उठा लियो, लास्ट 5 साल पहले हमारे उस हब्बाई
वो किसकी सीट? मुसलमान की सीट, वो सीट छीना ले। एक इस बार कोलार छीना ले, इस बार रायचूर छीना लेती, इस बार चिकपेट छीना लेती, हर पांच साल को दो सीट तीन सीट कम कर लेता है। हमारी औकात क्या है? आज भी हमारे मुसलमान भाइया आंख खोलो, क्या चल रहा है देश के अंदर मालूम कर लियो। कांग्रेस पार्टी में कैसा मुसलमान को कितनी इज्जत है रखो बोल को देख लियो। हमारे उलमाए कराम मांगी, हमारे उलमाए कराम, हमारे मौलाना, इन लोगों की कितनी इज्जत है। मेरे वास्ते रात दिन ये कर रही, 100 आदमी 150 आदमी उलमाए कराम रहने के बाद भी हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो आज हमारा उलमाया कमरा क्रम क्या बोल रही है? 20 पर 3 सीट को कांग्रेस के, जिधर मुसलमान की मुसलमानों की आबादी है वहां हमें इनको क्या करना है कि हमें डिसाइड करती है, इनको डिसाइड कर ले को ही हमारा उलमा कमरा क्या है। ऐसे नहीं सब लोग एक ही एक को मुसलमान के वास्ते हक मांगने वाले कौन ने? हमारे उलमाया करामा उनो लोगा इसके पीछे उनको दर्द है, उनो लोगा इसके पीछे लड़ रही, यहां से स्टेट लीडर के पास भी लड़ रही, सेंटर लीडर के पास भी लड़ रही। ऐसे लीडर को नहीं देते क्या तुम्हें कर को बोल को? इसे अब आगे मैं जवाब नहीं देता। हमारे उलमाया कराम हमारी कम्युनिटी के उलमाया कराम से जवाब देती। अब हमारी बदनसीबी क्या है? हमारे मुसलमान को पैदा हो हमारी बदनसीबी, क्या भी खिलाओ क्या भी करो क्या भी बोलो, पैर पड़ो उनके रिक्वेस्ट करो, हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमारे मुसलमाना इस बार क्या करना अरको बोल को डिसाइड कर को सब अच्छी एक डिसीशन ले को काम करना। खाली मेरे ये जने के वास्ते नहीं है, मैं यहाँ कमाने आपको नहीं हूँ, मुझे नहीं मिली तो मुझे क्या भी फर्क पड़ने करने है, मुझे क्या भी इलेक्शन लड़को अच्छी क्या तो भी मेरा घर चलने करने है, मुझे 10 पीढ़ियाँ खाए सस्ता अल्लाह पाक मुझे नवाज को ही, मुझे क्या भी जरूरत नहीं है। मेरे माँ भाना का, मेरे कौम का, मेरे टेमिलिंस भाया का, मेरे काना भाया का भाना का के वास्ते मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे। यह जिसमें मेरे केजीएफ बाबू से कोई जात नहीं है। जय हिंद, जय कर्नाटका, अस्सलाम वालेकुम।